बच्चों, भूगोल का दूसरा पाठ मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ और इसके जो ऑब्जेक्टिव आपके जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं करवाऊंगा, प्रश्न उत्तर है वो सारे के सारे आपके इसमें जो नोट्स हैं उसको आप पढ़ोगे तो वो स्वतः ही या अपने आप कर सकते हो। तो उन प्रश्न उत्तरों को दोबारा कराने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ। पहला जो ऑब्जेक्टिव इसमें आपके दे रखा है वो ये है कि प्रमुख यामयोत्तर का मान है। ये आपको मैंने 0 डिग्री बताया था कि प्रमुख यामयोत्तर का मान 0 डिग्री है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। तो आप सब जानते हो कि शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। फिर देशांतरों का तीसरा प्रश्न दे रखा है ऑब्जेक्टिव में कि देशांतरों की कुल संख्या है। जब हम देशांतर और अक्षांश की बात कर रहे थे तो मैंने इनकी कुल संख्याएं आपको बताई थी और आप सबको पता होगा या याद होगा कि देशांतरों की जो कुल संख्या है वो आपके 360 है। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव है वो आपके दक्षिण ध्रुववर्त स्थित है। तो दक्षिण ध्रुववर्त आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पांचवा और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रिड किसका जाल है। तो आपकी जो ग्रिड है वो आपके अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामयोत्तर का जाल है। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं। रिक्त स्थान में जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। हम जब अक्षांशीय रेखाओं की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ रेखाओं का मान लिखाया था और वो मान मैंने आपको कहा था कि आप याद कर लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो आप सबने याद कर लिए होंगे। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत का मानक यामयोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है या 82.3 डिग्री पूर्व है, ठीक है। फिर है 0 डिग्री यामयोत्तर का, 0 डिग्री यामयोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो आपके रिक्त स्थान है वो है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। फिर है उत्तरी ध्रुववर्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये सारे के सारे जो प्रश्न उत्तर है और वो जो ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको सारे समझा दिए हैं और यही आशा करता हूँ कि ये प्रश्न सब आपको आते होंगे और ये ऑब्जेक्टिव है और ये जो रिक्त स्थान है वो आप सब याद कर लोगे और ये प्रश्न सारे आप करोगे तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। धन्यवाद।